Yo, what's up guys, this is my another video, and in this video I will show you all specs about BMW X4 and Porsche Macan. So you all guys can follow me on my Facebook page. I have given the link in this description. मैंने आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से जाकर फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज पे और मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके लिए सबसे पहले जानकारी ले लें और वेट करें उस वीडियो के अपलोड होने तक। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सारे स्पेक्स शो करने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अब हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो गाइस, ये है पोर्श मैकेन। सो गाइस, मैंने अपनी पहली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में शो किया था पोर्श मैकेन का कंपैरिजन ऑडी Q7 से। तो इस वीडियो में मैं शो कर रहा हूँ पोर्श मैकेन का कंपैरिजन BMW X4। सो प्राइस है इसकी 69.98 लाख टू 85.12 लाख। ओके, सो गाइस, आप मेरे फेसबुक पेज पे मैंने लिंक दिया है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं मुझे। इसके माइलेज है 11.4 km/h टू 12.15 km/h। Porsche एक क्लासिक कार है, इसका जो फ्रंट है, लुक है, इसका बैक जो है सबसे अच्छा लगा मुझे। और ये पावर आप देख ही सकते हैं, 350 BHP एट 5400 टू 6400 RPM। बॉडी डिज़ाइन आपको पता ही है, SUV है, ट्रांसमिशन इसका ऑटोमेटिक है। और बेस्ट पार्ट मुझे इस कार का जो है, ये बैक लगा, ये जो वो हेड लैम्प्स हैं इसके, वो सबसे अच्छे लगे मुझे, जो बैक लाइट्स हैं इसकी, अच्छा लगा सबसे। और अब मैंने इस कार को ओपन करके आपको शो किया है, आप देख सकते हैं इसको ओपन करके भी ये कैसी लगती है। और टॉर्क 370 Nm एट 1600 टू 5400 RPM। सो मैंने पूरा आपको ये लुक दिया है, ये मेरा नया सॉफ्टवेयर है तो अभी थोड़ा वर्क चल रहा है। सिटिंग कैपेसिटी इसकी 5 है। और गाइस, कुछ और भी लग्जरी कार्स हैं जैसे लैम्बॉर्गिनी, रोल्स रॉयस, बेंटले एंड मैनी मोर्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैंने उनका भी सोचा है वीडियो उन पर बनाने का। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 75 लीटर है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे साथ कि वो अभी तक मेरे सॉफ्टवेयर में वो कार्स का 360 व्यूअर नहीं है, तो मैं आपको अभी उसको शो नहीं कर सकता। तो मैं उनको किसी और तरीके से शो करूँगा, बाकी जो जितनी कारों का है मेरे पास वो मैं शो करूँगा। तो ये है इंटीरियर इस कार का, पोर्श मैकेन। या आप इंटीरियर देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं फीचर्स आपको शो करता हूँ। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, रियर एडजस्टेबल स्टीयरिंग, हीटर, एयर कंडीशनर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग एंड पावर डोर लॉक्स। और फीचर्स दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए दिखाता हूँ। तो देखिए, ये और भी फीचर्स हैं इस कार के, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग्स, एंटी थेफ्ट डिवाइस। तो ये एक बढ़िया कार है, थेफ्ट डिवाइस, एंटी थेफ्ट डिवाइस है इसमें। और आप पूरा, मैं आपको सीट से लेकर सब कुछ दिखाता हूँ। चलिए अब बैक सीट की भी बात करते हैं। ये पूरा बैक सीट है इस कार की। सो गाइस, इसकी टॉप स्पीड है 200-254 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि मैंने पहली भी वीडियो में कहा था, ये रोड पे दौड़ती नहीं, उड़ती होगी, तो वही मैं इस वीडियो में कहूँगा, ये रोड पे बस उड़ती ही है। दौड़ना तो इसने कभी सीखा ही नहीं है मुझे लग रहा है। ये इतनी बढ़िया, इसके गियर आप देख ही सकते हैं, 7 स्पीड गियर्स हैं ये भाई। ये बहुत अच्छी क्लासिक कार लगती है मुझे। नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स अभी मैं आपको शो करता हूँ। नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स हैं इसके 6। ओके, आप पूरा देख सकते हैं, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं आप। आप स्टीयरिंग व्हील में देख भी सकते हैं कि कैसा स्टीयरिंग व्हील डिवाइस है इसमें लगा, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं। गिवन डैशबोर्ड देख सकते हैं। चलिए, तो ये तो थी हमारी पोर्श मैकेन। सो गाइस, अब चलते हैं आज के इसके राइवल के अगेंस्ट। तो इसका राइवल है BMW X4, या BMW X4, जिसने सड़कों पे तो भाई BMW की कारें क्या ही लगती हैं। और प्राइस आपकी भी वही है, प्राइस भी आप देख सकते हैं 62.4 लाख
267.9 lakhs। या पोर्श मैकेन के कंपैरिजन में ये कार सस्ती है, माइलेज इसकी अच्छी है, माइलेज 11.15 to 16.78 kmpl। गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, माइलेज इस कार की ज़्यादा है, पोर्श मैकेन की भी माइलेज ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप ज़्यादा वाली 12.5 kmpl वाली कार का वेरिएंट लेंगे तो गाइस वो आपको महंगी पड़ेगी, 85 लाख की पड़ेगी। अगर आप ये वाला वेरिएंट लेंगे कि मतलब इस BMW का ये वेरिएंट लेंगे, सबसे महंगा वेरिएंट 67.9 का, तो उसका जो माइलेज है वो 16.78 kmpl पड़ेगा। मतलब आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी एज़ कंपेयर टू पोर्श मैकेन, लेकिन प्राइस जो है वो भी चीपर होगी अगर कंपेयर किया जाए हमारी पोर्श मैकेन से। तो गाइस और फीचर्स आप सभी जानते हैं, BMW एक जाना माना नाम, जिस कंपनी के लिए बहुत से लोग पागल हैं इस कंपनी की कार्स को पाने के लिए। सो गाइस अच्छी बात है अगर आपको ये सस्ते में मिल रही है। तो अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूँ और आप डेली उस कार को यूज़ करना चाहते हैं, डेली आपका डेली का वर्क है, तो मेरे हिसाब से आप BMW X4 लें, क्योंकि ये आपके बजट की कार हो जाएगी, बिकॉज प्राइस इसकी कम है और दूसरी बात ये कि ये माइलेज ज़्यादा देगी। तो गाइस आपके लिए तो यही अच्छी बात है। और SUV है, सीटिंग कैपेसिटी 5 है, यानी एक फैमिली कार है। इंजन टाइप मैं शो कर देता हूँ, 3.0 लीटर डीजल इंजन है इसका, इंजन क्वालिटी भी अच्छी है मेरे हिसाब से। तो इसको मैं जहाँ तक अगर माइलेज का हिसाब से देखें, अगर लग्जरी कार्स की माइलेज में देखें, तो मैं इसको दूंगा 5 out of 4.6 stars। बिकॉज मैंने इतने कम क्यों दिए, क्योंकि माइलेज अबाउट 20+ तो होनी चाहिए, लेकिन इंजन क्वालिटी वाइज अच्छी है, फीचर्स वाइज अच्छी है। थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इसका ब्रांड जो है, इंटीरियर आप देख सकते हैं कितना अच्छा वर्क किया गया है, जो लाइट्स हैं उन पे कितना अच्छा वर्क किया गया, इस वजह से ये उसके भी 4.5 से भी अबव कैटेगरी में है। और अगर मैं उससे नीचे कितना लेकर जाता, अगर आपको मतलब मैं प्राइस और माइलेज के मामले में तो इसे दूंगा 4.6 stars, बाकी तो भाई ये आप सभी जानते हैं 5 के पार है ये कार 5.5 star वाली तो नहीं कहूँगा। बहुत सारे जो बड़े बड़े साइट्स हैं, कार देखो .com एंड carwheel.com जैसे साइट्स हैं, उन्होंने 4.5 above stars दिए हैं, नॉट फुल स्टार्स बट दिए हैं, तो इस वजह से मैंने भी इतने ही दिए हैं इस कार को। सो गाइस ये मैंने पूरा आपको शो कर दिया है। गियर लेकिन इस पर ज़्यादा है, गियर 8 speed गियर्स हैं, टॉप स्पीड इसकी थोड़ी सी कम रह गई, लेकिन कोई नहीं यार, माइलेज तो दे रही है। अगर आपको भगानी तो ये भी भागेगी रोड पे, उड़ेगी नहीं कोई नहीं लेकिन भागेगी। तो अगर आपको मतलब आपके पास बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब आपको बस ये टाइम पास के लिए कार चाहिए, तो भाई आप ले लें पोर्श मैकेन, क्योंकि वो भागती बहुत है, उड़ती है। सो गाइस यही थी हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट करें लाइक बटन, और ज़रूर से जाकर मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें, और मेरे और भी जो फर्दर वीडियोज़ हैं उनके लिए कमेंट करें कि कौन सी वीडियो डालनी चाहिए।